साथ में दिखाने वाले एक बार फिर से V-Strom 250 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो भी दिखाऊंगा आपको। फिर देखो पहले दिखाऊंगा आपको बाइक आई कहाँ से हमारे पास। देखिए नंबर देख लो, नंबर देख के समझ आ जाएगा आपको HP मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भैया चला कर लाए हैं इसे। पहले भैया से ही मिलवाए थे, बाकी बाइक का तो मैं दिखाई दूंगा आपको बाद में, क्योंकि इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन कुछ चल रही है कुछ हो चुकी है इसके अंदर। जब आए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग है, थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो पहले मिलवाते हैं भैया से और पूछते हैं भैया को कि अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा है और भैया किस लिए आए हमारे पास और क्या क्या भैया करवा रहे हैं। तो बताइए सर कैसा लगा आपको अभी तक का, बताइए। अच्छा, वैसे तो अच्छा है, वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे, तो मेरा फ्रेंड था उसने सजेस्ट किया कि आप वीडियो एक बार देखो फिर उसके बाद काम कैसा रहेगा। बाकी आपने वहाँ भी काम कराया था कुछ? हाँ, चंडीगढ़ में करवाया था 21 सेक्टर में। तो उन्होंने क्या किया कि जो साइड स्टे थे उन्होंने जुगाड़ लगा के सेटिंग करके वो दिखा दिए। मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग के इसी वीडियो के अंदर, टेंशन मत लेना। और फोन भी लगाया था पर वो चल नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा है कि चंडीगढ़ तो वो बोल रहा था कि चंडीगढ़ में है वैसे एक्सेसरी मिल जाएगी बाइक की, पर मेन काम वो कंप्लीट काम करवाना है, तसल्ली वाला काम करना दिल्ली में हो। तो फिर मैंने उससे पूछा कि करोल बाग ठीक है, वो बोलता है हाँ करोल बाग बहुत बढ़िया है, वहाँ तो मार्केट ही बहुत बढ़िया है मोटर मार्केट, तो वहाँ पर A to Z काम हो जाएगा बाइक। उसके बाद फिर मैंने वीडियो देखी, फिर एक फ्रेंड था मेरा, उसने सजेस्ट किया कि राजू भाई है एक, तो उसकी उनकी वीडियो है, वो इसी की V-Strom भी उनके पास आई थी तो उससे रिलेटेड भी काम हुआ है। तो मैंने सोचा चलो राजू भाई के पास जाए थे एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं। चलो जी, अभी बाकी की बातें करेंगे बाद में, पहले थोड़ी मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर जो हमने कर दी गई, इससे पहले इसके अंदर कुछ हुआ हुआ था और फिर अब जो हमने किया थोड़ा वो दिखाया था आपको हाईलाइट के क्या क्या है, बाकी टोटल दिखाऊंगा आपको बाद में। पहले देख रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने इसके अंदर ये क्रैश डोर भी हम बाहर से लगवाए हैं, इसके अंदर हमने फॉग लैंप लगा दिया जो कि देख सकते हो आप, इंडिकेटर बल्ब हैजार्ड एंड आपको वाइजर एक्सटेंडर, और अभी जो इसके अंदर कर रहे हैं ना वायरिंग वो आपकी हो रही है किस चीज़ की, देखिए इसमें डिस्प्ले भी हमने लगाई है जो कि आपको अभी दिखाऊंगा फुल वीडियो के अंदर पूरी, अभी तो थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। बाकी स्टेनलेस जो इसमें लगे हुए तो हटा के प्रॉपर वाले लगा देंगे, टॉप बॉक्स वाला लगा हुआ है, टायर अगर वगैरह और बहुत सारे आइटम इसके अंदर, तो अपना पहले से कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से। कंप्लीट करने के बाद ना फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या किया है फुल लोड का बाइक के अंदर, और फिर उसके बाद आप देख के समझ जाओगे कि कैसा काम करते हैं और कैसा भैया ने बाहर से कराया था। मैं उसका भी दिखाऊंगा जो उन्होंने बाहर से करवाया था, वो भी दिखाऊंगा आपके ऊपर इसी वीडियो के अंदर। चैनल बढ़े रहने के लाइक सब्सक्राइब जरूर करना राजभाई चैनल को, क्योंकि मिलता है यूट्यूब पर से मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। दिखाया था इसके अंदर जब भी आई थी तो इसके अंदर बहुत सारा काम होना बाकी था, और अब ज़्यादातर क्या सारा काम इसके अंदर हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं जो इसके अंदर बचा हो अभी तक लगने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके अंदर किससे, अपना वाइजर एक्सटेंडर से जो कि इसके अंदर लगा दिया गया, प्रॉपर फिटमेंट वाला होता है आपके, और इसको अप एंड डाउन जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसको देखो अप एंड डाउन का सिस्टम समझा देता हूँ, भैया भी समझ लेंगे आप भी समझ लो, पहले मैं समझ लूँ। ये देखो जी, इसे हम नीचे करना चाहें तो नीचे हो सकता है, ऊपर करना है ऊपर, जैसे मर्जी आप ये एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। वैसे ज़्यादातर ऊपर ही रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि अच्छा तो तभी लगेगा। ये देखिए ये लॉक हो गया आपका, अभी यहीं पर ही स्टेबल रहेगा आपका ये, और इसको लगने से ना एक तो वाइजर ना बड़ा हो जाता है आपका, जो नॉर्मल वाइजर है उसकी लुकिंग और इसकी लुक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया था इसे लगने के बाद। साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको GPS माउंट जो कि देख सकते हो, ये मिलता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला GPS माउंट इसके अंदर लगा देगा V-Strom का ही, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। साथ में ना इसमें लगा दे वाटरप्रूफ ओरिजिनल बोबो का मोबाइल होल्डर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे लगाने से आप जब भी राइड करते हैं तो फ़ोन वगैरह लगा कर ना GPS ऑन करके तो निकल ही सकते हैं, साथ में आपका जो फ़ोन होगा वो हो जाएगा पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल, ना तो इसके अंदर पानी जाएगा और ना ही डस्ट वगैरह, पूरा रहेगा फ़ोन आपका नीट एंड क्लीन, जैसे कि आपने देख लिया मोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर। और उसके बाद आपको नीचे दिखाता हूँ तो देखने मिलेगा आपको इंडिकेटर बल्ब, ये देखिए इंडिकेटर बल्ब लगे हुए हैं इसके अंदर सिमटेक ओरिजिनल, और साथ में लगा हुआ इसमें हैजार्ड, देखिए जितनी बार बटन पुश करूँगा उतनी बार ऑटोमेटिकली पैटर्न्स हो जाते हैं इसके चेंज, ये देखिए। और इसमें मिलते हैं आपको 20 to 25 पैटर्न आपको मिल जाते हैं इसके अंदर हैजार्ड के अंदर, जिसकी मिलती है आपको 1 साल की गारंटी, काउंटर प्लेसमेंट जब भी आपका ख़राब होता है ना आपको कार्ड लाना है या भेजना है, भेजना है इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कहीं दूर से, जब ये दूर से आए हैं
अब इनका अगर हैजार्ड या बल्ब कुछ भी ख़राब होता है तो इनको कुरियर करना पड़ेगा, और कुरियर के बाद इनका रिप्लेस होकर हम इसको नया दे देंगे। तो वही सब आप पे भी ये सब लागू होता है कि अगर आपको भी ये सब करना है और चेंजिंग की जो प्रॉब्लम वो आपकी सॉल्यूशन होगा भेजने के बाद। इंडिकेटर बल्ब का सेम है, इसकी मिलती है आपको 3 साल की गारंटी काउंटर प्लेसमेंट जैसे कि मैंने बताया आपको, और साथ में इसमें लगा देगा इसके अंदर देख सकते हो ये इसकी फॉग लैंप जो कि मिलते हैं HJG ओरिजिनल विद हार्नेस। ये देखिए इसमें देख रहे हो आप, ये आपको मिलेगा इसके अंदर वाइट, और ये मिलता है आपको 50 या 60 वॉट आपकी लाइट चलाई जाती है देख सकते हैं। इसमें ब्लिंकर्स मिल जाते हैं आपको अलग अलग पैटर्न के, 4 से 5 पैटर्न के अंदर मिल जाते हैं आपको। तो दिखाता हूँ इसके अंदर हैंडल बार राइजर देख सकते हैं, वी स्ट्रोम की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको इसके अंदर। इससे क्या होता है जब भी आप राइड करते हैं, राइड करते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको, शोल्डर्स में पेन्स वगैरह होता है, तो उसके इसमें क्या होता है इसके अंदर लगा दिया जाता है हैंडल बार राइजर के अंदर। 2 इंच का कम से कम आपको डिफरेंस मिल जाता है, और 2 इंच ना बहुत होता है जब आप राइड करते हो तो उस टाइम पर, क्योंकि आप वैसे चला रहे हो इस तरीके से और फिर चलाओगे इस तरीके से, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो आप चलाते हुए इसको, तो ये इसके अंदर इसलिए लगाए जाते हैं। और साथ में इस तरह भाई है, साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये है इसका ब्रेक पेंडल एक्सटेंडर। इससे क्या होता है जब भी आप ब्रेक मारते हो ना तो ब्रेक मारने में काफ़ी ईजी होता है आपको, वरना इसमें छोटा सा इसका ब्रेक पेंडल होता है इसके अंदर, और जब ब्रेक मारते हो अगर आपके पैर पे कुछ भी कीचड़ वगैरह लगी हो, पानी वगैरह लगाओ तो पैर स्किट होने का खतरा ज़्यादा, तो उसके इसमें इसे लगाया गया आपका ब्रेक पेंडल एक्सटेंडर। उसके बाद आप देख सकते हो साथ में इसमें लगा देंगे इसके अंदर ये इसके रियर फुटर जो कि आपको इस तरह भी मिलते हैं, और सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ। जिन लोगों को प्लेन राइडर को बिठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसे लगाने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको इसके अंदर प्रो टाइपर का आपको ये है आपका गियर शिफ्टर का कवर जो कि आप देख सकते हैं, आपका क्या होगा शूज़ ख़राब नहीं होगा और ना इसकी रबड़ वगैरह घिसती है। और साथ में इसमें देखने को मिलेगा हॉर्न, ये भी इसके अंदर लगा देगा जो कि आपको मिलता है, क्योंकि नॉर्मल जो हॉर्न होता है उसके अंदर साइड वगैरह बिल्कुल भी मिलती है आपको। और अगर बात करिए आपकी सैडल स्टिक की तो वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग वाले, और जो इसमें पहले लगा रखे थे वो काफ़ी जुगाड़ से कर रखे थे पत्ती वगैरह लगा कर, अब वो लड़के ने फैक्ट्री में दिखाने लिया इसलिए आपको ज़्यादा। ये देखिए इस तरफ भी आपको मिलता है प्रॉपर फिटिंग वाला, उस तरफ भी सेफ। और उसके बाद बात करी जाती है इसकी टॉप बॉक्स की, तो टॉप बॉक्स ले लो मेटल का टॉप बॉक्स है आपको मिलता है 45 लीटर का, जो कि आपको इसके अंदर कुछ भी रखना चाहो ईजिली रख सकते हो। स्पेस दिखा देता हूँ आपको, देखो 45 लीटर कितना होता है, देखिए काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आपका आ जाता है, और ये मिलता है मेटल का। और साथ में इसमें मिलती है बकेट जिसमें आप कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपने जो आपके मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप इसके अंदर रख कर राइड कर सकते हो। और रही बात इसकी निकालने की तो देखियो ये आपको सीधा लॉक खोलना है, वैसे लॉक चाबी ने भी मैं लॉक लगाया नहीं था कि सोचो ऐसे ही खुल जाएगा, चाबी से लॉक खोलने के बाद आपको ये करना है। और ये देखिए ये आपका निकल जाता कुछ इस तरीके से, और ये इसके नीचे लगी हुई है, इसके नीचे लगा रखी एक प्लेट जो कि मिलती है आपको टॉप रैक प्लेट, ये लगेगी तो ये इसके ऊपर लगाया जाता है, और इसे लगाने के बाद आपका इजीली फिट हो जाता है। अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसे घर पे रख सकते हो, और यूज़ करना है तो जैसे कि दोबारा बताऊँ किस तरीके लगते हैं, देखिए ये आपने इस तरीके से सेट करा इसको, यहाँ पर सेट करने के बाद आपका ये लग गया, अब कुछ नहीं करना सिंपली इसका लॉक लग जाएगा, चाबी लग जाएगी, लॉक पूरा हो गया। सेम उसका इसी तरीके से ये भी होगा आपका, ये आपका लॉक इसमें ये भी लॉक लग जाएगा आपका। तो ये इसका टॉप बॉक्स है जो कि मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं इसके आपकी टायर अगर की, टायर अगर भी देख सकते हो ये टायर अगर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। टायर अगर इंस्टॉल करने का लॉजिक ये होता है कि जितनी भी डस्ट वगैरह होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जाती है आपके आगे शॉकर पर, मोनोशॉकर है, मोनोशॉकर के अंदर अगर डस्ट आपकी जमा हो जाती है ना तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है उसमें टायर अगर लगा दिए गए, टायर अगर लगाने से सबसे बड़ी टेंशन आपकी ख़त्म ही हो जाती है कि आपको डस्ट वगैरह नहीं जाएगी आगे की तरफ। और जो पीछे ना पीछे इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, ये देखो रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी राइडर राइड कर रहा है ना तो राइड करते हुए अगर इस पर लाइट पड़ेगी तो उसको पता लग जाएगा कि आपकी आगे बाइक जा रही है। और इसके बाद आपको मिलती है टॉप बॉक्स की बैकरेस्ट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई। ऐसे इंस्टॉल करने का बेनिफिट जो भी प्लेन राइडर बैठेगा ना या बैठेगी उनको काफ़ी सेफ फील, चुभेगा नहीं बिल्कुल भी, वरना क्या होता है इसे नहीं लगाने से क्या होता है चुभता है बैठने से, तो ये आपके चुभन का वो भी ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। साथ में सीट हो गई इसकी कुशनिंग विद कवर बोले तो इसमें आपकी फोम लगा दी गई है आरामदायक फील करने के लिए। जब भी आप राइड करेंगे, अब जैसे भैया मान लो दूर से आए हैं तो फिर राइड करके ले जाएंगे, थोड़ा सा कम महसूस होगा चलाने में, पेन वगैरह जैसे होता ना तो वो प्रॉब्लम कम आएगी इसके अंदर। और यहाँ पर आकर इसकी हो गई मोटिवेशन कम्प्लीट। अब मैं बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है, एक बार फिर से कि फाइनली अब उनको कैसा लगा। आइए भैया, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अब बताइए आपको कैसा लगा। अच्छा लगा वैसे तो, मोटिवेशन देखे, काम तो बढ़िया है, जैसा सोचा था वैसा हुआ है काम, वैसे ही वैसे कुछ ऊपर नीचे नहीं। मुझे भी आइडिया नहीं था क्योंकि इतनी दूर जाना फिर काम करवाना, फिर वैसा फिर लगता नहीं है कि नहीं इतनी दूर जाके कुछ
लगे फिर लगे यहाँ पे आके फिर लगा कि कुछ है, कुछ है, बात है, कुछ राजू भाई में कुछ बात है। चलो फिर जैसा कि मैंने ये जो बताया था आपको कि जो सेटल स्टे है जुगाड़ वाला काम किया था इसमें चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में करवाया था मैंने काम 21 सेक्टर में, तो वहाँ उन्होंने ऐसे पत्तियाँ पुतियाँ काट फूट के बेल्डिंग करके कुछ उन्होंने जुगाड़ करके सेट कर दिया, तो मेरे को फिर वो ठीक नहीं लगा। तो फिर मैं सोचा इससे अच्छा करोल बाग में कराते हैं, एक मेरा फ्रेंड है उसने सजेस्ट किया था कि करोल बाग में बढ़िया काम पूरा ए टू जेड काम हो जाएगा बाइक का। अपने फ्रेंड का नाम भी रिवील कर दो। नाम उनका है करण, जो कि कुल्लू से हैं, हिमाचल से मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने काम हिमालयन का करवाया, यहीं से करवाया है करोल बाग से, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि करोल बाग से बढ़िया काम, बाकी ओवरऑल ठीक है, बाकी जैसा सुना था राजू भाई की वीडियो देख के तो काम बढ़िया है, बाकी प्राइस का देखते हैं। प्राइस अभी भैया ने देखा ही नहीं, डिस्काउंट अभी दिए ही नहीं है, मतलब बिल तैयार है, बिल ही नहीं लिया भैया, मैंने कहा पहले गाड़ी होने दो फिर देखेंगे। अब डिस्काउंट की बारी है लास्ट में, चलो जी राजू भाई का क्या है। चलो जी बिल्कुल देखेंगे जरूर, तो थैंक यू सो मच सर। आपको मेरे बार आए कहाँ से थे पर दोबारा? मैं आया था हिमाचल, वैसे मैं रहता हूँ हिमाचल में, तो जॉब मेरी चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ से मैं सुबह आ गया था 6 बजे, तो 6 बजे आप यहाँ नहीं आए थे, 6 बजे वहाँ से चल पड़ा था, तो यहाँ मैं पहुँच गया था 10, हाँ 10 बजे पहुँच गया था, 11 बजे तो अब टाइम क्या हो रहा है मेरे को, गाड़ी बंद हो गई, टाइम काफ़ी हो गया, 7 बजे मेरे ख्याल से आसपास, तो अब जाके भैया की गाड़ी कंप्लीट हुई पूरी तरीके से, तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए इतनी दूर से। और जैसे कि एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आप तो मान लो वहाँ से हो, कोई हमारा व्यूवर्स ऑल इंडिया से आना चाहता उसके लिए रिकमेंडेशन क्या रहेगी आपकी? तो बहुत बढ़िया है राजू भाई का जैसे काम देखा, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स की अच्छा है, आओ विजिट करो, देखो सामान देखो, बाकी बढ़िया है। चलो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे भैया जो कि लाए थे अपनी बीस्ट मॉडिफिकेशन करा दिए, और इससे पहले भैया ने दिखा, मैं दिखा, ये देखिए ये जो लगवाई थी ना भैया ने, ये वाली भैया, यही वाली है, थोड़ा सा कैमरा करना, यही वाली ना भैया। चलो जी, तो ये वाली भैया की सैडल स्टे थी जो कि इन्होंने जुगाड़ करके, इन्होंने क्या जुगाड़, इनको इन्होंने लगवाई और भाई बंदे ने लगाई, लेकिन भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी बंदे की, जुगाड़ तो बंदे ने अच्छा लगा, फिट तो कर दे भैया की, वो बात अलग, खुद को मन निभाया वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हमने जो करा वो पूरा प्रॉपर कर दिया इसका, जैसे कि आपने देख ही लिया इसके अंदर, और आपको भी कराना है ऐसा कोई भी काम किसी भी बाइक का, चाहे छोटी बाइक हो चाहे बड़ी बाइक हो, तो आप आ सकते हो आपके अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलती है आपको दिल्ली के करोल बाग नायवेलन के अंदर। और जब भी आप आते हो पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें, वहाँ पर हमने एड्रेस लोकेशन नंबर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बाकी फिर भी अगर वहाँ पर नहीं जा पाते या किसी कारण से नहीं देखना चाहते तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827217714, जो कि मेरा पर्सनल, आप उस पर चाहो तो कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, लोकेशन से लोकेशन मंगा सकते हो, या कोई भी सामान चाहिए तो सामान भी आप मंगा सकते हो, हमारी ऑल इंडिया डिलीवरी है, चाहे कोई भी सामान हो कहीं पर भी ऑल इंडिया शिपिंग हो जाती है। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके छोटा भाई ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हिंद, गुड बाय।